obedience his Allah Almighty called his own obedience in Holy Quran. Holy Quran Park mein kin ka itaat karke Allah Taala ne khud ka itaat kaha hai. To jab aap prophet ka itaat karenge to iska matlab hai ki aap Allah Taala ki itaat karte hain. To option number A yani rasool. Next question hai ki is ayat mein kin cheezon ko yahan pe combine kiya hai. To aap yahan pe dekh sakte hain wal ins aur jin, इंसान और जिन. तो हम कहेंगे ह्यूमन एंड जिन्स को. और इस तरह आयात जो आ जाते हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं क्योंकि वहाँ से ही आप ख़ुद से अपने लिए मीनिंग निकाल सकते हैं. थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि नमाज इज़ अ वर्ड ऑफ डेश लैंग्वेज. तो नमाज पर्शियन का लफ्ज़ है और अरबिक में इसको हम सलात कहते हैं. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेमस रिवील बुक्स, वो तो कितने आपको पता है, फोर बुक्स है जो कि रिवील हुए हैं अल्लाह ताला की तरफ से. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रूट वर्ड ऑफ द अरबिक वर्ड इबादत. इबादत का जो रूट वर्ड है वो है अबद. और मैं आपको बताऊं, मैंने जो न्यू सीरीज शुरू किया है SL202 का, और अगर किसी ने दो लेक्चर भी देखे ना तो ये सारे क्वीज़ वो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम अपने सीरीज़ में एक लाइन को नहीं छोड़ते तो आपसे क्वेश्चन किस तरह रह जाएगा. और जो घंटे का लेक्चर है यूवर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से या 40 मिनट का है वो हम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कवर कर लेते हैं. तो आपको ये सीरीज़ शुरू करना चाहिए अगर आप 100% प्रिपेयर होना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए. विच ऑफ़ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फंडामेंटल इस्लामिक वर्शिप. तो इस्लामिक वर्शिप में जो फंडामेंटल है वो पांच है और यहाँ पे उसमें मौजूद है प्रेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ देयर एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट इन द कमांड ऑफ द होली कुरान. होली कुरान के जो अहकाम है हुक्म है उसमें कोई शक शुबा है? तो डेफिनेटली नो. व्हेन हज बिकम ओब्लिगेटरी ऑन द मुस्लिम, हज कब फ़र्ज किया गया? तो यू भी मैंने अपने सीरीज में बताया है, वो है 9H. हु इज़ द गार्डियन एंजल ऑफ हेल, यानी दोज़ख का जो गार्डियन एंजल है वो कौन सी है? तो वो है मालिक. और अगर हीवन का है तो वो है रिजवान. इस्लामिक टर्म्स द मैसेंजर हु ब्रॉट न्यू शरीयत इज़ कॉल्ड, जिस ऐसा पैगंबर जिसको नई शरीयत मिले उसको हम रसूल कहते हैं, और अगर पुरानी शरीयत पर हो तो उसको हम नबी कहते हैं. इस्लाम इज़ अ डैश रिलीजन, तो यहाँ पर है कि इस्लाम क्योंकि पूरी दुनिया के लिए है, पूरी हर कस्म के मखलूक के लिए है, तो यहाँ पे आएगा यूनिवर्सल. विच राइटियस कैलिफ अनाउंस जिहाद अगेंस्ट मुनकरी ज़िकात. सबसे पहले जो कैलिफ थे, हलीफा थे, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने जो ज़कात के मुनकर थे उनके ख़िलाफ़ जिहाद का हुक्म दिया था, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर जिहाद भी किया था. देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हज इन इस्लाम, और हज के बेसिकली तीन टाइप्स है और मैंने अपने सीरीज़ में आपको डिटेल से इसको बताया है. हु इज़ द मैसेंजर विद हुम अल्लाह अलमाइटी कम्प्लीटेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम, तो इसकी तो मज़ीद डिटेल की ज़रूरत नहीं है. डेफिनेटली हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. द वर्ड कुरान इज़ डिराइव्ड फ्राम करा विच मीन्स टू रिसाइट, और अगर यहाँ पर रीड का ऑप्शन भी होता तो वो भी ठीक है. इन द फॉलोइंग वर्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड काफ़तुन इज़, इस आयात में काफ़तुन का मतलब है कम्प्लीट, और हम अपनी सीरीज़ में आयात को भी डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे ये आयात का जो तर्जुमा है वो मैं इन्वर्टेड कॉमा में वहाँ पे लिखा है. अगर आप वो सेक्शन देख ले तो आयात के अंदर जो कुछ वर्ड उठाते हैं उसका तर्जुमा भी आप आसानी से यहाँ पे लिख सकेंगे. द ज़कात ऑन क्रॉप्स इज़ कॉल्ड, क्रॉप्स और फ्रूट्स पर ज़कात को हम उशर कहते हैं, और उशर का मतलब है 10th यानी 10वां हिस्सा. तो एक और एमसीक्यूज भी यहाँ से बन सकता है कि उशर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 10th. विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द 5th बेसिक बिलीफ ऑफ इस्लाम, जब हम इस्लामिक बिलीफ को देखते हैं अकीदा पाँच नंबर पर हम किस चीज़ के ऊपर रखेंगे, तो वो है आखिरत के दिन के ऊपर यानी हेयर आफ्टर. ये क्वेश्चन हम लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं. सबसे पहले है तौहीद, उसके बाद है एंजल, फिर होली बुक्स, फिर रिसालत, और पांच नंबर पे है हेयर आफ्टर यानी आखिरत के दिन पर ईमान. तो यहाँ से आपको पाँच किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं. तो यहाँ पे कौन सा आया है, पाँच नंबर का पूछा है, तो वो है हेयर आफ्टर यानी आखिरत. विच ऑफ़ द फॉलोइंग क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह अलमैटी इज़ इनोसेंट, कौन से इसमें मासूम मखलूक अल्लाह ताला की, तो वो तो डेफिनेटली एंजल यानी फरिश्ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फिजिकल वर्शिप,
और फिस्कल का मतलब है माली इबादत, तो वो कौन सा है? डेफिनेटली वो है ज़कात, ऑप्शन नंबर सी। विच इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ हज, हज का लिटरल माने है टू ट्रेवल। फॉलोइंग वर्स स्टेट दैट होली कुरान हैज़ नो, तो ये आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इसका मतलब है कि कुरान पाक में कोई भी शक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी डाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजल्स कीप द रिकॉर्ड ऑफ मैन डीड्स, और वो है किरामन कातिबीन, जो कि हमारे कंधों के ऊपर है और हमारे जो एक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द होली कुरान नो वर्चू इज़ एक्सेप्टेबल विदाउट अडॉप्टिंग द इस्लाम, इस्लाम में दाखिल होने के बगैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। विच लीडर ऑफ द मक्का रिकॉग्नाइज द मिराकोलियस ग्लोरी ऑफ द होली कुरान, इसका मतलब है कि कौन से लीडर थे मक्का के अंदर जिन्होंने सबसे पहले जो मौजिज़ाना शान है कुरान पाक का उसका एतराफ़ किया था, तो वो है वलीद बिन वगैरह। फॉलोइंग वर्स हाउ मेनी ड्यूटीज डिड अल्लाह अलमाइटी अपॉइंट फॉर द होली प्रॉफिट, कितनी ड्यूटियाँ हैं इस आयात के ट्रांसलेशन में आप देख लें, ये यहाँ तक एक है, दूसरे कामा तक दो, ये तीसरा कामा है और फिर आखिर में चौथा पॉइंट। यहाँ से आप ख़ुद अंदाज़ लगा सकते हैं कि फोर ड्यूटीज़ मिली है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी फोर। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वर्स हु इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द होली कुरान, इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं खुद मुहाफिज हूँ कुरान पाक का, तो ऑप्शन नंबर सी अल्लाह अलमाइटी। और ये तो बिल्कुल इजी एमसीक्यूज़ है कि कुरान पाक में कितने सूरत है, तो 114। फेमस एंजल्स आर, आपको पता है कि फेमस एंजल चार है, इज़राइल, मिकाइल, जिब्राइल और इसराफील अलैहिस्सलाम। हुज लाइफ एग्जांपल डिड अल्लाह अलमाइटी डिक्लेयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, किसकी ज़िंदगी को बेहतरीन नमूना करार दिया गया है, तो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हु इज़ एक्चुअली मीन बाय द वर्ड नूरन मुबीना इन दिस वर्स, और इस आयत में नूरन मुबीना का मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लम की तरफ इशारा है। वन डेट रोज़ा बिकम ओब्लिगेटरी ऑन मुस्लिम, रोज़ा कब फ़र्ज किया गया, तो वो है 10 शाबान 2 हिजरी को। नस्कर है कि पहले वही में कौन सी सूरत के पहले 5 आयात नाजिल हुए थे, तो वो है सूरतुल अल अलक। हिजरत से पहले जो सूरत नाजिल हुई है उसको हम मक्की कहते हैं, और यहाँ पे यही पूछा है, अगर बाद में पूछा होता यानी हिजरत के बाद, तो उसको हम मदनी सूरत कहते। नेक्स्ट है कि फिरौन को कौन से पैगंबर के ज़माने में गर्क किया गया था, तो वो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है कि ज़कात की रेशो क्या है, तो वो है 2.5%। द रूट वर्ड ऑफ इस्लाम इज़ ऑप्शन नंबर ए सलम, ये एक आयत है और उसमें कह रहे हैं कि फ़ुरक़ान का मतलब क्या है, तो फ़ुरक़ान का मतलब है कि फ़र्क करने वाला, तो द डिफरेंशिएटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरान पाक के माना क्या है, जिस पर स्कॉलर जो है वो उन्होंने इतफाक़ किया है, तो वो है कलेक्ट। सलात की मानी क्या है, तो सलात का मतलब है दुआ करना यानी प्रे। आखिरत का माना पूछा है, तो इसका मतलब है बाद में आने वाली चीज़, आखिर में आने वाली चीज़, तो कमिंग एट द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग हदीस ऑन द डूम्स डे डेज विल बी आस्क अबाउट यूथ, आखिरत के दिन में जवानी के बारे में कौन से नंबर पर पूछा जाएगा, तो वो है 2nd नंबर पर। हमाम बिनी मुनबा कम्बाइल हदीस कलेक्शन इन टाइटल, हमाम बिन मुंबा ये शागिर्द हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के, और उनके जो हदीस की किताब है उसका नाम है सहीफा अल सहीहा, ऑप्शन नंबर डी। विच आर द फॉलोइंग स्कॉलर ऑफ करंट एरा हैज़ एडिटेड सहीफा अल सदीक़ा, ये किताब हदीस की किताब किसने आज के दौर में एडिट की है, तो वो है डॉक्टर हमीदुल्ला, ऑप्शन नंबर डी। विच काइंड ऑफ ट्रेडिशन आर देयर इन कलेक्शन ऑफ अलमुदियात इब्न जूज़ी, और ये नाम सर है मुदियात लफ्ज़ आया है, ये मौदू जो हदीस होते हैं उनका एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर ए। सहीफा अल सहीहा इज़ अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फेमस बुक ऑफ हदीस, जो अभी हमने एक किताब के नाम लिया था सहीफा अल सहीहा, ये मशहूर किताबों में से मसनद अहमद बिन हम्बल का कलेक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फेमस स्टूडेंट ऑफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये तो अभी मैंने आपको बताया था कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के जो शागिर्द है वो है हमाम बिनी मुनबा। आज के 50 MCQs का जो आखिरी MCQs है वो है हाउ मेनी हदीस वर नरेटेड बाई हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने 5374 अहादीस
نریٹ کیے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہو مڈ ٹرم ایگزام کے لیے۔ اللہ حافظ۔